करते हैं ना। तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजेश दांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुनः हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग विगत कक्षा के अंतर्गत हिंदी भाषा के संदर्भ में, पद परिचय के संदर्भ में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और साथ में विशेषण, साथ में वाच्य, ये जो टॉपिक थे ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे पद परिचय के संदर्भ में क्रिया के अंतर्गत वाच्य, और वाच्य के बाद में हम देखने वाले काल के बारे में। काल जो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टेंस, जो आप लोगों को भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल की क्रियाओं का बोध करवाने का कार्य करता है, उसको कहा जाता है काल। काल प्रायः हिंदी के अंतर्गत भी तीन भेदों में वर्गीकृत होते हैं और अंग्रेजी के अंतर्गत भी तीन भेदों में वर्गीकृत होते हैं। यदि भूतकाल की क्रियाओं की बात की जाती है, जैसे जा चुका, था, थी, थे, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो वो भूतकाल की क्रियाएं और भूतकाल के कार्य के संपन्न होने का बोध कराता है। यदि वर्तमान में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, मैं लिख रहा हूँ आप देख रहे हो, ये वर्तमान की क्रियाओं का बोध कराते हैं। और यदि हम लोग भविष्य में चले जाते तो हम लोग भविष्य में जो भी बनने वाले या जो भी करने वाले या फिर जो भी हमारे है ना जो भी उद्देश्य, उन उद्देश्य की जो पूर्ति करने वाले, वो समस्त क्रियाएँ भविष्य काल की ओर इंगित करती हैं। तो हम लोग इन तीन ही कालों का क्रम से अध्ययन करेंगे, भूतकाल, वर्तमान काल और एक भविष्य काल। यदि प्रश्न हमारे सामने आता है कि जो काल होता है, काल का निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हम लोग कहेंगे कि काल का निर्धारण प्रायः सहायक क्रिया के आधार पर होता है। सहायक क्रिया मूल रूप से काल का निर्धारण करती है। सहायक क्रिया क्या होती है? तो सहायक क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है, उस मुख्य क्रिया के साथ में जुड़ी होती है, उसको हम लोग कहते सहायक क्रिया। तो आइए शुरुआत करते आज के इस सेशन की। सर्वप्रथम हमारे सामने पहला प्रश्न आया कि काल, तो इसको हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो परिभाषित करने के लिए हम लोग कहेंगे काल क्या है। जो हमें कार्य के समय का बोध कराए, ठीक है, जो हमें कार्य के समय का बोध कराए उसको क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। दूसरी बात हम लोग याद रखेंगे, काल का निर्धारण सहायक क्रिया के आधार पर होता है। तो काल का निर्धारण किसके आधार पर होता है? सहायक क्रिया के आधार पर होता है। ये दोनों बात आपको याद रखना है। तो काल क्या है? जो हमें कार्य के समय का बोध कराए उसको हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो सहायक क्रिया के आधार पर होता है। दूसरी बात हम लोगों को ये याद रखना है। हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे काल के भेद। यदि भेद की बात की जाती तो भेद कितने होते? तो काल के प्रायः तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन से होते हैं? एक होता है भूतकाल, जो हमें जो क्रियाएं या जो कार्य संपन्न हो चुके या आज से कुछ समय पहले या कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले की अगर हम लोग बात करते और उसकी क्रियाओं का अगर हम लोग बोध कराते तो उसको कहते भूतकाल। भूतकाल के बाद में दूसरा जो भेद होता है
वो होता है जो वर्तमान की क्रियाओं का बोध कराए, उसको कहा जाता है वर्तमान काल। और जो आने वाले भविष्य की क्रियाओं का बोध कराए, उसको क्या कहा जाता है? भविष्य काल कहा जाता है। तो काल के कितने भेद हो गए हमारे पास में? काल के प्राय तीन भेद हो गए, भूतकाल, वर्तमान काल और एक क्या, भविष्य काल। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वर्तमान काल के बारे में कि वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल परिभाषा हम लोग कहेंगे जो हमें, या फिर जिससे हमें वर्तमान की क्रियाओं का बोध हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इसके भी क्या है, कुछ भेद होते हैं किसके, वर्तमान काल के। तो वर्तमान काल के प्राय पांच भेद माने गए। कितने भेद माने गए? पांच भेद। ठीक है, अब ये पांच भेद कौन कौन से होते हैं? वैसे अंग्रेजी में हम लोग चार भेद पढ़ते हैं और हिंदी में कितने भेद पढ़ते हैं? पांच भेद पढ़ते हैं, ये बात आपको याद रखना है। यदि हम लोग पांच भेद देखेंगे तो पांच भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है सामान्य वर्तमान काल, पहला भेद कौन सा देखा हम लोगों ने, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान के बाद में दूसरा होता है तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल। तृतीय भेद की ओर हम लोग आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें अपने को कार्य की संपन्नता का बोध होता है। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल के बाद में हम लोग देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल और एक देखेंगे संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल और एक संभाव्य ठीक है। तो कितने भेद हो गए टोटल? पांच भेद। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते? पांच भेद होते। नंबर एक सामान्य वर्तमान, दूसरा तात्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। हम लोग एक एक के बारे में हम लोग पृथक पृथक से अध्ययन करते हैं कि सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है और साथ में पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। यदि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल के बारे में, तो इनका जो निर्धारण होता है ये होता है सहायक क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर होता है? सहायक क्रिया के आधार पर होता है। तो इनकी जो पहचान होती है ताहे, तीहे और तेहे होता है। तो सामान्य वर्तमान काल की पहचान क्या होगी? पहचान अपने को होगी इसकी ताहे, ये सहायक क्रिया ती है और साथ में क्या, ते है। ठीक है, राम बाजार जाता है, श्याम बाजार जाता है, राधा बाजार जाती है, लड़के बाजार जाते हैं।
मोहन पढ़ता है, राधा पढ़ती है और विद्यार्थी पढ़ते हैं। साथ में हम लिखते हैं, तुम लिखते हो, तुम देखते हो, हम बोलते हैं, तुम सुनते हो। ये समस्त क्रियाएं किसका बोध कराती है? तो सामान्य वर्तमान काल की क्रियाओं का बोध कराती है। अतः इस काल को हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल के रूप में हम लोग जानेंगे। दूसरी बात करते तात्कालिक वर्तमान काल के बारे में। तात्कालिक वर्तमान काल का अर्थ होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, अर्थात जो कार्य अभी चल रहा है, संपन्न नहीं हुआ है, अर्थात निरंतर अभी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये कार्य कंटिन्यूस चल रहा है, अभी संपन्न नहीं हुआ है। जिस कार्य की संपन्नता का बोध नहीं होता है, अर्थात जिसकी निरंतरता का हमको बोध होता है, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? उस काल को तात्कालिक वर्तमान काल के रूप में हम लोग जानते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? तो पहचान के रूप में हम लोग लिखेंगे, पहचान होगी रहा है, रही है और साथ में क्या रहे हैं। जैसे भारत में हाल फिलहाल में आंतरिक कलह चल रहा है, भारत में वैमनस्यता का भाव चल रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो, या फिर हम लोग रहा है रही है उसका सीधा हम लोग किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो आपको किसके बारे में बताएगा? तात्कालिक वर्तमान काल के बारे में बताएगा। तात्कालिक वर्तमान काल के बाद में हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है या है, ये है, ये है, ठीक है। तो या है, ये है, ये है, ये कहाँ जुड़े होते हैं? मुख्य क्रिया के अंत में जब या है, ये है जुड़ा होता है तो आपको बोध कराता है पूर्ण वर्तमान काल के बारे में। जैसे मोहन, मोहन ने खाना खाया है, राधा ने खाना बनाया है, मोहन ने बांसुरी बजाई है, राधा ने बांसुरी सुनी है, ये आपको किसके बारे में बोध कराएंगे? तो पूर्ण वर्तमान काल के बारे में बोध कराएंगे। साथ में हम लोग देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में। संदिग्ध वर्तमान काल अर्थात जिसमें संदिग्धता का बोध होता हो, जैसे हमारा कोई मित्र अगर घर पे और हम लोग कक्षा में, हमसे शिक्षक पूछते हैं कि आपका मित्र क्या कर रहा होगा, तो हम लोग कहेंगे हमको पूर्णता इस बात का बोध नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगाते कि शायद वो खाना खाता होगा, शायद वो बात करता होगा, शायद वो पढ़ाई करता होगा, या सोता होगा, या रोता होगा, या फिर खाना बनाता होगा। ऐसे शब्दों का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो ये जो क्रिया होगी, ये जो वाक्य होंगे, वो आपको संदिग्धता का बोध कराएंगे और इस काल को हम लोग क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। पहचान क्या होगी इसकी? ता होगा, ती होगी और साथ में क्या होगा? ते होंगे। ये तीन पहचान आपको याद रखना। तो सहायक क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे जुड़ा होगा, तो यह काल आपका संदिग्ध वर्तमान काल की ओर इशारा करेगा। संभाव्य वर्तमान काल के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ये बतलाता है संभावना के बारे में। संभावना अर्थात जैसे राम बाजार गया होगा, तो या होगा, ये होगी और ये होंगे। पुनः सुनिएगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, ये आपको संभाव्य वर्तमान काल की ओर इशारा करते हैं। या होगा, ये होगी और साथ में क्या? ये होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं, अभी भारत के नौजवान क्रिकेट
देखने गए होंगे। अभी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में सम्मेलन में भाग लेने गए होंगे। ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये संभाव्य वर्तमान काल की ओर इशारा कर रहा है। तो हमने यहाँ पे वर्तमान काल के कितने भेद देखे? तो वर्तमान काल के प्रायः 5 भेद देखे हमने। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 तात्कालिक वर्तमान काल, और नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल, और नंबर 5 संभाव्य वर्तमान काल। तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद। एक बार पुनः इनकी पहचान को देखिएगा। सामान्य वर्तमान काल की पहचान होती है ताहे तीहे तेहम। तात्कालिक वर्तमान काल की पहचान होती है रहा है रही है रहे हैं। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान होती है या है ये है ये है। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान होती है ता होगा ती होगी ते होंगे, और साथ में संभाव्य वर्तमान काल की पहचान होगी या होगा ये होगी ये होंगे। आशा आप लोगों को वर्तमान काल के 5 भेदों के बारे में सामान्य जानकारी आपको अर्जित हुई होगी। इसके आगे की ओर हम लोग चलते हैं और फिर देखते हैं भूतकाल के बारे में। अगला जो भेद देखने वाले हैं वो है भूतकाल। क्या प्यारे बच्चों? भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? यदि हम लोग भूतकाल की बात करते हैं तो जो क्रियाएं आज से पहले संपन्न हो चुकी हैं, अर्थात आज और अभी से पहले की क्रियाओं का जो बोध कराए उसे भूतकाल कहा, भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जो हमको आज से पहले की क्रियाओं का बोध कराएं, बोले तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैं क्या कर रहा था, ठीक है ना, उन क्रियाओं का अगर मैं बोध कराता हूँ तो वह क्रियाएं किस काल के अंतर्गत आती है? तो भूतकाल के अंतर्गत आती है। यदि भूतकाल की बात की जाती है तो इसके कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के प्रायः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो इसके भेद होते 6। तो प्रश्न आपको सीधे सीधे पूछता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के प्रायः कितने भेद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। यदि हम लोग पहले भेद की बात करते तो प्रथम भेद सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल, ठीक है। यदि हम लोग इससे आगे की ओर बढ़ते सामान्य भूतकाल के बारे में हम लोग देखते आसन्न भूतकाल। एक होता है क्या? आसन्न भूतकाल। दूसरा भेद क्या देखा हम लोगों ने? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल के बाद में हम लोग देखते यहाँ पे पूर्ण भूतकाल। क्या देखेंगे? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के बाद में हम लोग देखेंगे क्या? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और इसके बाद में अपूर्ण भूतकाल के बाद में हम लोग देखेंगे संदिग्ध भूतकाल, और संदिग्ध भूतकाल के बाद में हेतु 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 मद भूत काल। ठीक है, क्या आता प्यारे बच्चों? हेतु हेतु मद भूत काल। तो कुल कितने भेद होते हैं? तो कुल 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है सामान्य भूतकाल,
नंबर दो होता आसन्न भूतकाल, नंबर तीन पूर्ण भूतकाल, नंबर चार अपूर्ण भूतकाल, नंबर पांच संदिग्ध भूतकाल और नंबर छः होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो कुल कितने भेद होते हैं? तो छः भेद होते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं सामान्य भूतकाल के बारे में। अब इनका आपको याद रखना है, क्या पहचान याद रखना है, क्योंकि आपको जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न कैसे बनेगा, कोई भी एक सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस काल का है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं इसकी पहचान। सामान्य भूतकाल आपको इशारा जो करता है वो बताता है या ये और ये, जिस क्रिया के अंत में या ये और सिर्फ ये लगा होता है वो आपको इशारा करता है सामान्य भूतकाल की ओर। राम गया या राम बाजार गया, सीता बाजार गई, राधा बाजार गई, मोहन ने खाना खाया, गीता ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया। ठीक है, साथ में हम पढ़ने गए, तुम पढ़ने गए, राधा पढ़ने गई, ये किसकी ओर इशारा करते हैं? तो सामान्य भूतकाल की ओर इशारा करते हैं। सामान्य भूतकाल के बाद में आसन्न भूतकाल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें सिर्फ अंतर ये आता है या है, ये है और क्या ये है। ठीक है, तो क्या आता आसन्न भूतकाल की पहचान क्या है? या है, ये है और ये है। जैसे मोहन बाजार गया है, सीता बाजार गई है, राधा बाजार गई है, लड़के बाजार गए हैं, ये किसकी ओर इशारा करते हैं? तो आसन्न भूतकाल की ओर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इशारा करते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। मोहन पढ़ने गया है, मोहन क्या करने गया, पढ़ने गया है, प्रधानमंत्री जी लंदन गए हैं। ओके, प्रधानमंत्री जी कहाँ गए? लंदन गए, और राष्ट्रपति जी अमेरिका गए हैं। ये सारे के सारे इशारा करेंगे आसन्न भूतकाल की ओर। पूर्ण भूतकाल की अगर हम लोग बात करते तो पूर्ण भूतकाल क्या था? जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये जो तीनों सहायक क्रिया है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आपको बोध कराते हैं पूर्ण भूतकाल के बारे में। ठीक है, जिससे कार्य की संपन्नता का बोध होता है कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही जाकर के क्या हो गया, संपन्न हो गया। ऐसी क्रियाओं को हम लोग कहाँ रखते अक्सर? तो पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मोहन बाजार जा चुका था, राधा खाना खा चुकी थी, सीता खाना खा चुकी थी। ठीक है, ये जो आपको बोध कराएंगे कार्य की संपूर्णता का बोध कराते हैं, अर्थात इनको हम लोग पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके थे, हम तुम लोग पढ़ चुके थे, मैं पढ़ा चुका था, तुम पढ़ चुके थे। ठीक है, हम लोग लिख चुके थे, तुम लोग देख चुके थे, तुम लोगों ने सोच चुके थे, ओके, तुम परीक्षा पास कर चुके थे। ये सब किसका बोध कराते? पूर्ण भूतकाल का बोध कराते हैं। आगे हम लोग जाएंगे तो अपूर्ण भूतकाल आता है। यदि अपूर्ण भूतकाल की बात करते हैं तो जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वो भूतकाल में उसके संपन्नता का बोध नहीं होता है। भूतकाल में जिस कार्य को आपने आरंभ होते हुए देखा था और वह निरंतर चल रहा था, जैसे मैं घर से जब आया था तो राधा खाना खा रही थी, तो जब मैं घर से आया था उस समय राधा क्या कर रही थी? खाना खा रही थी। तो मैं सीधे कहूँ राधा खाना खा रही थी, मोहन बांसुरी बजा रहा था। ठीक है ना, मोहन बांसुरी बजा रहा था। तो ये जो कार्य आरंभ हुआ था भूतकाल में आरंभ हुआ था वो भूतकाल में चल रहा था, जिसकी संपन्नता का बोध नहीं होता है। जैसे पहचान क्या होगी? रहा था, रही थी,
और साथ में क्या रहे थे, रहा था, रही थी और क्या रहे थे, ये किसका बोध कराते, तो अपूर्ण भूतकाल का बोध कराते हैं, है ना। मोहन बांसुरी बजा रहा था, राधा बांसुरी बजा रही थी और सीता गीत गा रही थी, ये आपको किसका बोध कराते प्यारे विद्यार्थियों, अपूर्ण भूतकाल का बोध कराते। इसके आगे की ओर हम लोग जाएंगे तो संदिग्ध भूतकाल आता है। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, जो आपको बोध कराते या होगा, ये होगी और ये होंगे, या होगा ये होगी और क्या ये होंगे। जैसे मोहन बाजार गया होगा, सीता बाजार गई होगी, राधा बाजार गई होगी, है ना, हमको ये पता नहीं था, ठीक है ना। ये संदिग्धता का बोध कराता है ना, कि भूतकाल में कोई कार्य ऐसा हुआ होगा। अतः संदिग्ध भूतकाल क्या होगा, राधा खाना खाने गई होगी, ओके, मोहन बांसुरी बजाने गया होगा, ऐसे जो शब्द होते ये आपको संदिग्ध भूतकाल का बोध कराते हैं। और एक अंतिम भेद होता है इसका, हेतु हेतु मद्भूत, जहाँ पे एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर होती हो, ठीक है ना। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं पढ़ाई करता तो पास हो जाता, ठीक है ना, अगर ऐसा करता तो वैसा हो जाता, तो ये आपको हेतु हेतु मद्भूत का बोध कराते हैं। इसमें सीधे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम पढ़ाई करते तो परीक्षा में अव्वल आते, ना तो हमने पढ़ाई की और ना ही परीक्षा में अव्वल आए। तो यहाँ पे जो दूसरा कार्य प्रथम कार्य के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो जब एक कार्य या एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया के ऊपर होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेतु हेतु मद्भूत के रूप में हम लोग जानते हैं। हेतु हेतु मद्भूत की एक पहचान और आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी पछतावे होते हैं, वो पछतावा किसको लेकर के होता है, तो भूतकाल को लेकर के इंसान को क्या होता है, पछतावा होता है। तो जो भी पछतावा होता है वो सब कहाँ पे आता है, हेतु हेतु मद्भूत के अंतर्गत आता है ना। जैसे हम लोग खाना, सॉरी ऐसा कहते, अगर बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, ना तो बरसात अच्छी हो पाई ना ही फसल अच्छी हो पाई, ठीक है। अगर हम लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखते तो बीमार नहीं पड़ते, ना तो हम लोगों ने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, है ना, इसलिए हम लोग कैसे पड़े, बीमार पड़े। यदि हम लोग शुद्ध जल का शुद्ध जल को पीते तो हम लोग अस्वस्थ नहीं होते। तो यहाँ पे अस्वस्थता का निर्भरता किसके ऊपर है, शुद्ध जल के ऊपर निर्भर है, ठीक है। यदि हम लोग प्रदूषण नहीं फैलाते तो आज, है ना, यदि हम लोग प्रदूषण नहीं फैलाते तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या नहीं होती। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या किसके ऊपर निर्भर है, प्रदूषण के ऊपर निर्भर है। तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग कहाँ रखते या ऐसे वाक्यों को हम लोग कहाँ रखते, तो हेतु हेतु मद भूत के अंतर्गत रखते हैं। ऐसा आप लोगों को भूतकाल के छः भेद क्लियर हो गए होंगे। भूतकाल के बाद में हम लोग देखेंगे भविष्यकाल, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, भविष्यकाल की ओर हम लोग चलेंगे। भविष्यकाल, यदि भविष्यकाल की बात की जाती है तो भविष्यकाल क्या होता है, जिससे हम लोगों को आगामी समय में होने वाली क्रियाओं का बोध होता है, उस काल को क्या कहा जाता है, भविष्यकाल कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, भविष्यकाल कहते हैं, जिससे आगामी समय में होने वाली क्रियाओं का बोध होता है, उस काल को भविष्यकाल कहा जाता है। यदि हम लोग कुछ उदाहरण की बात करते हैं कि इसके भेद क्या होते, तो इसके भेद होते प्यारे विद्यार्थियों तीन,
इसके कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। अब ये तीन भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है सामान्य, भविष्यकाल। क्या होता है? सामान्य भविष्यकाल होता है, और सामान्य के बाद में दूसरा भेद होता है संभाव्य भविष्यकाल। और तृतीय भेद होता है हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्य काल के प्राय तीन भेद होते हैं। नंबर एक सामान्य भविष्य काल, नंबर दो संभाव्य भविष्य काल, और नंबर तीन हेतु हेतु मद भविष्य काल। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सामान्य भविष्य काल के बारे में। मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, निर्णय है। तो गा गी गे, मैं पढ़ूंगा, राधा पढ़ेगी, लड़के पढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, भविष्य उज्जवल होगा, ठीक है ना। तो ये सारी क्रियाएं कहाँ पर आती है? सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आती है। और उदाहरण देखते हैं, बरसात होगी, साथ में राधा नाचेगी, मोहन बांसुरी बजाएगा, हम गीत गाएंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो गा गे और गे, ये शब्द आपको इंडिकेट करेंगे भविष्य काल के बारे में, और भविष्य में भी क्या, सामान्य भविष्य के बारे में। दूसरा आता है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य की पहचान होती है संभवता, राधा नाचेगी, ठीक है ना, राधा क्या करेगी, नाचेगी, जिसमें श्योर नहीं है, है ना, 100% सत्यता नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हम लोग एक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। संभवता 21वीं सदी नारियों की सदी होगी, संभवता 2024 में मोदी की सरकार बनेगी, शायद विश्व पर भारत का राज होगा, संभवता भारत विश्व गुरु बनेगा, संभवता सृष्टि का विनाश शीघ्रातिशीघ्र होगा। तो ये सारी बातें आपको संभाव्य भविष्यकाल की ओर चिन्हांकित करती हैं। अगला जो भेद है वो है हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य में भी क्या होगा, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर क्या करेगी, निर्भर करेगी। जैसे हम पढ़ाई करेंगे तो ऑफिसर बनेंगे, ठीक है ना, हम पढ़ाई करेंगे तो क्या बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। यदि हम हिंदी पढ़ेंगे तो एसआई बनेंगे, यदि हम लोग पढ़ेंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो, है ना, ऐसे ही रहेंगे। ये सब किसकी ओर चिन्हांकित करते, तो हेतु हेतु मध्य भविष्य की ओर चिन्हांकित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को भूतकाल के 6 भेद, साथ में वर्तमान काल के 5 भेद और भविष्य काल के 3 भेद क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग आगामी जो पार्ट होगा आगामी सत्र में संपन्न करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे विदाई लेते हैं। कल हम लोग पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।